जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशियन ऑफिशियल ने किया कंफर्म कि इस साल के अंत तक AK-203 की मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी स्टार्ट। इंडियन आर्मी ने 363 लॉजिस्टिक ड्रोन्स को खरीदने के लिए जारी करी RFP। आर्मी के लाइट टैंक्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रशिया अपने स्प्रूट SDM-1 को भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाने के लिए तैयार। डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत विजिट के दौरान अर्जेंटीना एयरफोर्स के पायलट्स बेंगलुरु में LC-Tejas को कर सकते हैं टेस्ट। और इस सप्ताह FATF की मीटिंग करेगी पाकिस्तान के भविष्य का फैसला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 18 अक्टूबर से गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत होने वाली है। तो आपको बता दें कि इस डिफेंस एक्सपो में रशियन कंपनी रोसन ब्रॉन एक्सपोर्ट के डेलीगेशन भी भाग लेंगे। और रोसन ब्रॉन एक्सपोर्ट की DG अलेक्जेंडर मिखीव की तरफ से बताया गया है कि रशिया की तरफ से रोसन ब्रॉन एक्सपोर्ट और क्लशनिकोव पार्टिसिपेट कर रही है। और साथ में उनका यह भी कहना था कि वे भारत सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 रूल्स के साथ हैं। और इसके साथ उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी है कि भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर के तहत जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस साल के अंत से शुरू हो जाएगी। और साथ में उनका यह भी कहना था कि उनकी योजना भारत में इन असॉल्ट राइफल्स के उत्पादन का 100% स्थानीयकरण करने की है। और भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर के तहत इन राइफल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने और प्रोडक्शन फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करने की योजना भी बनाई गई है। और इस डिफेंस एक्सपो में रोसन ब्रॉन एक्सपोर्ट भारतीय पक्ष के साथ इन AK-203 असॉल्ट राइफल्स के प्रोडक्शन और सप्लाई को डिस्कस करने वाला है। और इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान कंपनी भारत के लिए अपने कई अलग अलग रेंज के मॉडर्न इक्विपमेंट को भी पेश करेगी, जिनसे न केवल पर्सनल को इक्विप किया जा सकेगा बल्कि इससे असॉल्ट राइफल भी कस्टमाइज हो सकेगी। और इसके साथ ही अलेक्जेंडर मिखीव ने यह भी कहा है कि वे और उनका डेलीगेशन दोनों देशों के बीच मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन संबंधित सभी मुद्दों पर भागीदारों के साथ एक उपयोगी वार्ता की भी आशा कर रहा है। और रोसन ब्रॉन एक्सपोर्ट भारतीय पक्ष के साथ और भी म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस दौरान उन एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स को भी डिस्कस किया जाएगा जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले टर्म्स भी शामिल हैं। बाकी एक अपडेट ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारत के डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार की तरफ से कहा गया है कि आने वाले सालों में जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 13,000 करोड़ रुपीज के माइलस्टोन को भी पार कर जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि भारत के डिफेंस गुड्स को खरीदने के मामले में जो अमेरिका है वो टॉप पर है। और अमेरिका के अलावा कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आर्मेनिया, फिलीपींस, इसराइल, तो ये देश भी हैं जो भारत के डिफेंस आइटम्स को खरीद रहे हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि भारत आने वाले दिनों में साउथ अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करेगा। भारत के गरुड़ एरोस्पेस और लॉकेट मार्टिन कनाडा CDS सिस्टम के बीच एक MOU साइंड हुआ है। और इस MOU के तहत डिफेंस और कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए गरुड़ एरोस्पेस द्वारा बनाए गए मेड इन इंडिया ड्रोन्स लॉकेट मार्टिन कनाडा CDS सिस्टम के एडवांस्ड अनक्रूड एरियल सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे। और गरुड़ एरोस्पेस के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अग्निश्वर जयप्रकाश का कहना है कि लॉकेट मार्टिन कनाडा CDS सिस्टम के साथ जो ये पार्टनरशिप है, ये गरुड़ एरोस्पेस को कई अलग अलग सेक्टर्स में मार्केट डोमिनेंस मजबूत करने में मदद करेगी। आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि गरुड़ एरोस्पेस और लॉकेट मार्टिन कनाडा CDS सिस्टम ड्रोन और ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग कैपेबिलिटीज पर संयुक्त रूप से काम करने वाली है। और बाकी अगर ड्रोन्स की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से हाई अल्टीट्यूड एरियाज के लिए करीब 163 और मीडियम अल्टीट्यूड एरियाज के लिए करीब 200 लॉजिस्टिक ड्रोन्स को खरीदने के लिए RFP जारी की गई है। और ये लॉजिस्टिक ड्रोन्स फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत लिए जाएंगे। RFP के मुताबिक स्वदेशी डिजाइन के साथ जो ये लॉजिस्टिक ड्रोन्स हैं, इनमें मिनिमम 50% तक का स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। इनमें से जो मीडियम एल्टीट्यूड के लिए लॉजिस्टिक ड्रोन्स लिए जाएंगे तो उनकी पेलोड कैपेसिटी कम से कम 10 किलोमीटर की रेंज तक 20 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें फुली ऑटोनॉमस मोड, मैनुअल मोड और रिटर्न टू होम मोड, तो इस तरह के अलग अलग फ्लाइट मोड्स की बात भी की गई है। और वहीं जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज पर ऑपरेट करने के लिए लॉजिस्टिक ड्रोन्स लिए जाएंगे तो उनकी पेलोड कैपेसिटी मिनिमम 10 किलोमीटर की रेंज के साथ 15 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए और दोनों का ही एंड्यूरेंस टाइम कम से कम 40 मिनट का तो होना ही चाहिए। और बाकी इन ड्रोन्स की खरीद बाय इंडियन कैटेगरी के तहत होगी, यानी कि इस प्रस्ताव के तहत इंडियन आर्मी टोटल 363 लॉजिस्टिक ड्रोन्स को खरीदेगी जो कि सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स पर आर्मी की लॉजिस्टिक चेन को इम्प्रूव करेंगे और ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस स्कोर बढ़ाएंगे। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर ड्रोन्स का डिजाइन स्वदेशी है तो इसमें कम से कम 50% तक का स्वदेशी कंपोनेंट चलेंगे, लेकिन अगर डिजाइन स्वदेशी नहीं है तो फिर इसमें कम से कम 60% तक के स्वदेशी कंपोनेंट्स होने चाहिए। और वैसे अगर आपको ध्यान हो तो लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड एरियाज पर ऑपरेट करने के लिए इंडियन आर्मी पिछले साल भारतीय फर्म राफी एम्फेवियर द्वारा बनाए गए 48 MR-20 हेक्साकॉप्टर कार्गो ड्रोन्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। द हिंदू की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के लाइट टैंक्स वाले टेंडर में रशिया एक बार फिर से अपने स्प्रूट SDM-1 लाइट MPVS टैंक को पेश करेगा। और रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इस टैंक के लिए उन्होंने टेक्निकल डिटेल्स को भी सबमिट कर दिया है।
और जबकि रोसनब्रो ने एक्सपोर्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि भारत के रिक्वेस्ट के रिस्पांस पर हमने टेक्निकल प्रपोजल्स को सबमिट कर दिया है और हम भारतीय पक्ष के साथ बातचीत करने और टैंक को शो करने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं बल्कि टेंडर के रिक्वायरमेंट के अनुसार रशियन ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि वे उनके इन टैंक्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज और बाकी की अन्य सहायता भी देने के लिए तैयार है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से 350 लाइट टैंक्स को खरीदने के लिए RFI जारी की गई थी और आर्मी इन टैंक्स की खरीद फेज्ड मैनर में करेगी और आर्मी के इस रिक्वायरमेंट के लिए DRDO और LNT भी संयुक्त रूप से मिलकर एक खास लाइट टैंक को भी विकसित कर रहे हैं जिसका प्रोटोटाइप अगले साल के मध्य तक रोल्ड आउट भी किया जाना है। और जबकि रशियन ऑफिशियल्स का यह कहना है कि उनका जो ये स्प्रूट SDM-1 लाइट MPBS टैंक है तो ये अपनी क्लास के इकलौते ऐसे लाइट MPBS कॉम्बैट व्हीकल में आता है जिसकी फायर पावर मेन बैटल टैंक की तरह है और इसमें 125 mm की गन है। और ये भी कहा गया है कि इस स्प्रूट SDM-1 में उन सारे एम्यूनिशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि T-72 और T-90 टैंक्स के लिए भारत में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। बाकी स्प्रूट टैंक वाटर ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकता है, पानी में तैरते समय भी गन से फायर कर सकता है, इसे दिन और रात हाई अल्टीट्यूड एरियाज की थिन एयर कंडीशन, वेरी हाई वेरी लो टेम्परेचर्स, हर तरह की स्थिति में इसे ऑपरेट किया जा सकता है। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि स्प्रूट SDM-1 रशिया के स्प्रूट टैंक का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। पर खैर जो भी है, लेकिन हमें अभी भी LNT और DRDO द्वारा बनाए जाने वाले लाइट टैंक का इंतजार है। और जैसे कि LNT ऑफिशियल की तरफ से हाल ही में कहा भी गया था कि उनके इस लाइट टैंक का जो डिजाइन है वो बिल्कुल नया होने वाला है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि HAL ने अभ्यास नाम के हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एजल टारगेट सिस्टम का पहला बैच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को हैंडओवर कर दिया है और इस पहले बैच में अभ्यास की 2 यूनिट्स हैं। बाकी तो आपको पता ही होगा कि अभ्यास भारत में स्वदेशी तौर पर बनाया गया एक टारगेट एयरक्राफ्ट है। और अगर इस अभ्यास के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये हमारी अभ्यास वाली वीडियो देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि सितंबर महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन भी लॉन्च हो चुकी है और दीपावली के पावन अवसर को देखते हुए आज से 25 अक्टूबर तक हमारी सारी ई बुक्स पर 50% डिस्काउंट है। बस उसके लिए आपको हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करना है। और बाकी जो इस चैनल पर नए आए हैं तो उन्हें बता दें कि जो हमारी फ्रंटलाइन ई मैगजीन है उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, तो इससे के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र से संबंधित हर महीने के लेटेस्ट करंट अफेयर्स रहते हैं जो कि आपको न केवल सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मदद करेंगे बल्कि आप उनमें से हैं जो अपने आप को करंट अफेयर्स में अपडेट रखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो अगर आप इस ई मैगजीन को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी ई बुक का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं। और ध्यान रहे, 50% डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है DS50। कल रविवार को अमृतसर रीजन में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास BSF ने एक और पाकिस्तानी ड्रोन को शॉट डाउन किया है और पिछले 3 दिनों में ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है। और इस बार जो BSF ने ड्रोन शॉट किया है वो साइज में काफी बड़ा है, जिसका वजन करीब 12 किलोग्राम है और इस ड्रोन के द्वारा कैरी किया जाने वाला कुछ कंसाइनमेंट भी रिकवर किया गया है। और बाकी इस मामले पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसके अलावा न्यूज 18 की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर भारत में बनने वाले अनमैन्ड एरियल सिस्टम और ड्रोन्स के लिए एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी को भी स्थापित किया जाएगा जो कि कानपुर के पास स्थापित होगी। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों में भारत के डिफेंस फोर्सेज द्वारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से करीब $3 बिलियन तक के अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को खरीदे जाने की उम्मीद है। और इसलिए UAVs की इसी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर अब UAV इंटीग्रेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी को स्थापित करने का प्रपोजल दिया गया है। बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया है कि मैंगलुरु में इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली 2 होवरक्राफ्ट शिप्स को अब गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के लिए भेजा गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि डिफेंस एक्सपो 2022 में अर्जेंटीना का जो डेलीगेशन भारत आएगा तो उसमें अर्जेंटीना के कुछ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स भी होने वाले हैं और इस दौरान वे भारत द्वारा उनके लिए पेश किए गए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और वेपन्स को भी देखेंगे। और ऐसी भी संभावना जताई गई कि इस विजिट के दौरान अर्जेंटीना एयरफोर्स के पायलट्स बेंगलुरु में HAL फैसिलिटी को विजिट कर सकते हैं और जहां वे LCA तेजस की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और कुछ सोर्सेज के मुताबिक अगर अर्जेंटीना के साथ LCA तेजस वाली डील बनती है तो फिर तेजस में से UK ओरिजिन की इजेक्शन सीट को रशियन ओरिजिन की इजेक्शन सीट से रिप्लेस करने की संभावनाओं पर भी HAL काम कर रही है। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर तक भारत की ऑफिशियल विजिट पर होंगे और जनवरी 2022 में UN ऑफिस में अपने सेकंड टर्म के बाद ये उनकी भारत की पहली विजिट है और इससे पहले उन्होंने भारत को 2018 में विजिट किया था। बाकी आपको ये भी बता दें कि इस महीने 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई में UNSCA की काउंटर टेररिज्म पर मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग की अध्यक्षता इस बार भारत के पास होगी और इस मीटिंग में उन नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल पर फोकस किया जाएगा जो कि टेररिज्म पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि UNSCA की ये मीटिंग 7 सालों में पहली बार उनके हेडक्वार्टर से बाहर आयोजित हो रही है और इस मीटिंग में 3 मेन एरियाज पर फोकस होगा, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, दूसरा टेररिज्म फाइनेंसिंग
और तीसरा अनमैन्ड एरियल सिस्टम। और जबकि इस मीटिंग से पहले इसी सप्ताह FATF की मीटिंग भी होने वाली है और इस मीटिंग में सबका ध्यान इसी पर है कि क्या इस बार FATF पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट से बाहर निकाल देगी या उसे ग्रेड लिस्ट में ही रखेगी या फिर ब्लैक लिस्ट ही कर देगी। हालांकि हरकत तो पाकिस्तान की ब्लैक लिस्ट होने वाली है, पर फिलहाल अभी ऐसा होने की संभावना कम दिख रही है। बाकी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट ये देखने को मिला है कि आज सोमवार को कीव पर सुसाइड ड्रोन्स की बारिश हुई है और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स का दावा है कि रशिया इस ड्रोन स्ट्राइक में ईरान में बने हुए शहीद ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। और इसी बीच ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई कि यूरोपियन यूनियन करीब 15,000 यूक्रेनियन ट्रूप्स को ट्रेन करेगा और उन्हें आर्म्स फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा US ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन को रशिया को न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना करने के लिए वार्न करना चाहिए। वैसे ये भी सही है कि पहले खुद ही रायता फैलाओ और दूसरे से उम्मीद करो कि कोई उसे साफ कर दे। और वैसे भी रशिया यूक्रेन के मामले में भारत का जो मैसेज है वो तो शुरू से ही क्लियर है, वो तो पता नहीं क्यों वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाई नहीं दे रहे। पर खैर जो भी है, हम बढ़ते हैं अपने आज के इतिहास की तरफ। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान सेकेंड लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह नागर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, AK-203 असॉल्ट राइफल्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत की कौन सी कंपनी रशियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में शामिल हुई है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।